बॉलीवुड के अंदर आज के टाइम में जिसकी सबसे अच्छी फिल्में चल रही हैं वो और कोई नहीं अजय देवगन है, क्योंकि ये स्मार्ट हैं और सबसे टैलेंटेड भी। अब ये कैसे मुमकिन है ये वीडियो में आपको आगे मालूम तो चल ही जाएगा। देखो, अजय देवगन की फैन फॉलोइंग शाहरुख खान के आगे सलमान खान और आमिर खान से कमी है, पर फिर भी ये हर जगह सफल होते दिखाई देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इनकी बैक टू बैक फिल्में अच्छी परफॉर्म करती जा रही हैं, जिससे इंडस्ट्री वालों के पिछवाड़े तो जल ही रहे होंगे। अजय देवगन के स्मार्टेस्ट होने के पीछे का रीजन क्या है इनके करियर को जानकर हमें तो मालूम हो ही गया, तो आपको भी बताते हैं। देखिए, अजय देवगन ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था 1991 में, और जिस पिक्चर में इन्होंने डेब्यू किया था उस पिक्चर का नाम था फूल और कांटे। ये पिक्चर अच्छी थी एंड इसके गाने भी बहुत ज्यादा हिट हुए थे, और आज के दिन भी इनके गाने बहुत ज्यादा बजाए जाते हैं। लेकिन मोस्टली मैंने इनकी गाने सुनी है बसेस में, क्योंकि बसेस वालों की जो प्लेलिस्ट होती है वो कमाल की होती है, ये तो आपको भी मालूम होगा। देखो, 90s में अजय देवगन के अलावा बहुत सारे ऐसे एक्टर्स थे जिनकी फैन फॉलोइंग कमाल की थी, और जहां अजय देवगन उनके आगे कुछ भी नहीं थे। लेकिन अगर आज के टाइम में उन एक्टर्स को सर्च भी करोगे तो वो शायद से मिलेंगे भी नहीं, और अगर मिले तो भाई वो सपोर्टिंग रोल करते दिखेंगे। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान और कुछ चुनिंदे एक्टर्स को छोड़कर बहुत सारे ऐसे एक्टर्स मिलेंगे जो आज के टाइम में भाई आपको सपोर्टिंग रोल करते दिखेंगे। पर बात आती है अजय देवगन की, तो लीड रोल में आज भी ये दिखते हैं और ब्लॉकबस्टर पे ब्लॉकबस्टर दे रहे हैं। और इसके पीछे का क्या रीजन निकलता है? इसके पीछे का रीजन निकलता है एक्टर्स के बनाए हुए अपने टारगेट ऑडियंस, और अजय देवगन इसको बहुत अच्छे से जानते हैं और इस पर काम भी करते हैं। देखो, अजय देवगन के नाम से कोई भी इनकी फिल्में देखने नहीं आता है, क्योंकि इन्होंने अपना टारगेट ऑडियंस वैसा ही बना रखा है। अजय देवगन की फिल्मों की स्टोरी को आप लोग एक बार ध्यान से देखो, इनकी स्टोरी में एक डिफरेंट अप्रोच होता है। देखो, ये अपनी फिल्मों में लीड एक्टर खुद नहीं होते हैं, इनकी स्टोरी होती है, इसीलिए कोई भी ऐसा नहीं कहता कि चलो अजय देवगन की पिक्चर आई है देखने चलते हैं। लेकिन लोग ये कह के फिल्में देखने जाते हैं कि चलो दृश्यम 2 आई है, गोलमाल आई है, चलो देखने चलते हैं। और अगर हम दूसरे एक्टर्स को देखें तो उनका डाउनफॉल इसी वजह से ज्यादा स्टार्ट होता है, क्योंकि वो एक अच्छी स्टोरी को ध्यान नहीं देते, वो नहीं करते हैं। लेकिन अजय देवगन का सीन थोड़ा सा यहाँ पर अलग है, क्योंकि जहाँ पर भी इनको थोड़ी अच्छी स्क्रिप्ट अच्छी स्टोरी दिखाई पड़ती है फटाक से उसको कंज्यूम कर लेते हैं। देखो, हमारे बॉलीवुड में रीमेक पिक्चर भी बहुत ज्यादा आती हैं और फ्लॉप भी होती हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अजय देवगन रीमेक पिक्चर नहीं बनाते हैं, वो रीमेक पिक्चर भी करते हैं। इनकी रीमेक पिक्चर की चॉइस भी बहुत कमाल की है, और तभी इनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करती हैं रीमेक होने के बावजूद। इसका बेस्ट एग्जांपल है दृश्यम, जिसको भाई क्या बनाया गया था, वाकई में कमाल का था। और इसके साथ ही एक बेस्ट पिक्चर है शैतान, जो अभी अभी रिलीज हुई है, जो भाई बेस्ट एग्जांपल है। अजय देवगन की शैतान पिक्चर गुजराती पिक्चर वॉस मूवी का रीमेक है, और ये रीमेक होने के बावजूद भी अच्छी कमाई करती जा रही है, और इसके पीछे का रीजन है अजय देवगन को कास्ट करना, और साथ ही जो शैतान की स्टोरी है वो भी बहुत अच्छी है। देखो मेरे भाई, रीमेक पिक्चर्स बहुत सारे एक्टर्स बनाते हैं बॉलीवुड में, लेकिन चलती उन्हीं की है जिनमें टैलेंट होता है और जिनकी स्टोरी में दम होता है। लेकिन वो बात अलग है कि फॉरेस्ट गम की रीमेक पिक्चर बनाई गई थी, ऑफिशियल रीमेक थी लाल सिंह चड्ढा, लेकिन बाद में आमिर खान की वजह से वो फ्लॉप हो गई। देखो, अजय देवगन के पास एक और बढ़िया सा समझो कि स्किल है, और वो है अपनी फिल्मों के लिए बजट चूज करना, क्योंकि जहां दूसरे एक्टर्स जो रीमेक पिक्चर बनाते हैं बॉलीवुड के अंदर वो 100 करोड़, 200 करोड़ और 300 करोड़ के लागत में बनाई जाती है, लेकिन अजय देवगन के केस में ये थोड़ा सा उल्टा है, जहां इनकी पिक्चरों का बजट जो रीमेक पिक्चर होती है उसका बजट होता है 50 से 70 करोड़, और अगर इसमें भी अजय देवगन की रीमेक पिक्चर फ्लॉप हुई तो रिकवरी आसानी से हो जाती है। अब भाई वो कैसे? तो देखो मैं बताता हूँ, जैसे पिछले साल भोला आई थी जो रीमेक पिक्चर बनाई गई थी कैथी का, जिसने 111 करोड़ कमाए थे, पर फिर भी इसको एवरेज का वर्डिक्शन मिला था, क्योंकि बजट ही इसका 100 करोड़ था। लेकिन अब तुम भाई कहोगे कि भाई मैंने बताया कि 100 और 200 और 300 करोड़ दूसरे एक्टर्स की पिक्चरें होती हैं, तो भाई देखो मेरी भावनाओं को समझो, अजय देवगन भी कभी कभी 100 करोड़ वाली रीमेक पिक्चर बना देते हैं। अब देखो भाई, भोला ने 111 करोड़ कमाए थे, यानी अपने बजट से 11 करोड़ ज्यादा, फिर भी इसको एवरेज का वर्डिक्शन मिला। इसके पीछे का रीजन क्या था? तो देखो, इसके पीछे का रीजन था कैथी जो थी वो ऑफिशियल हिंदी वर्जन में भी अवेलेबल थी, जिसे एक और हिंदी वर्जन सेम स्टोरी के साथ लोगों ने थोड़ा कम देखा, पर इसमें भी अजय देवगन की परफॉर्मेंस अच्छी थी। इसके साथ ही ऐसा ही एक पिक्चर थी विक्रम बेदा, जो ऋतिक रोशन की रीमेक पिक्चर थी, यानी कि ओरिजिनल हिंदी वर्जन इसकी अवेलेबल थी, लेकिन ये भी पिक्चर फ्लॉप हो गई थी। अब देखो भाई, जिस तरीके से मेरी टारगेट ऑडियंस 17 से 25 साल के लोग हैं और जो कॉलेज में है, जिनको फिल्में देखना और उसके बारे में जानना उनको पसंद है, वैसे ही अजय देवगन की टारगेट ऑडियंस
ऑडियंस आज के टीनेजर्स नहीं है, वो पहले के लोग हैं एंड मोस्टली इनकी फिल्में फैमिली फ्रेंडली ही होती हैं और इसीलिए आज के वक्त में भी इनकी फिल्में हर कोई देखने आता है क्योंकि इनकी फिल्में होती हैं फैमिली फ्रेंडली, जिससे अजय देवगन ऐसी ही चीजों के साथ ग्रो हुए हैं और इनका सिनेमा भी इनके साथ आगे बढ़ा है। जैसे आजकल के जो एक्टर्स हैं वो अपने उम्र से छोटे रोल्स में फिट होने की कोशिश करते हैं, वहीं अजय देवगन अपने ही उम्र के रोल करना पसंद करते हैं एंड भाई जिससे ये जेन्युइन फील होते हैं। अपने एज के हिसाब से ही करेक्टर को अजय देवगन इजिली जस्टिफाई कर पाते हैं एंड आज भी अजय देवगन अपने उन्हीं फैंस के लिए फिल्में बना रहे हैं। ये सारी चीजों को देखने के बाद अब टाइम है इस वीडियो को समराइज करने का। देखो भाई, अजय देवगन आज के टाइम में अच्छी फिल्में डिलीवर करते जा रहे हैं क्योंकि ये अपने टारगेट ऑडियंस और अपने करेक्टर जस्टिफिकेशन को और स्टोरी को देखना करना अच्छे से जानते हैं। अपनी फिल्मों का बजट ना ज्यादा रखना ना कम रखना, मतलब मॉडरेट रखना इनको बहुत अच्छे से आता है। और मेरे भाई, अजय देवगन कंटेंट ओरिएंटेड पिक्चर ही बनाते हैं और अजय देवगन के जो रोल्स होते हैं वो आजकल के इनके उम्र के ऊपर ही होते हैं। तो भाई ये था मेरा अजय देवगन के ऊपर का एनालिसिस, तो मजा और नॉलेज तो भाई मिला ही होगा, इसलिए सब्सक्राइब।